नमस्कार साथियों, आज फिर ओशो के संकलन से एक छोटी सी कहानी आपके साथ पढ़ने का मन है, सुनने का मन है, गुनने का मन है। आइए सुनते हैं और जानते हैं क्या हम कुछ सीख पाए। एक व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था। एक गुरु के पास गया और कहने लगा कि आपसे दीक्षा लेनी है, संन्यास लेना है, मन है कि आज अभी इसी समय ये शुरू कर दूं। गुरु ने कहा, सोच लो, संन्यास के बाद का पथ थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे नियम मानने होंगे, क्या तुम मान पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा मन बना के आया हूँ और आपसे दीक्षा लेकर ही जाऊंगा। गुरु ने तैयारी की, कुछ दिनों तक उसे बहुत कुछ सिखाया और फिर दीक्षित कर दिया। दीक्षा लेने के बाद जब वो वापस जाने को हुआ तो उसने गुरु से कहा, ऐसी कुछ आखिरी बात जो आप मुझे कहना चाहें, जो मुझे जिंदगी पर ध्यान रखना हो और जिसके जानने से मेरा जीवन सफल हो जाए, कहिए, यदि कुछ ऐसा हो तो। गुरु ने कहा, हाँ एक बात है, सब कुछ तो अच्छा है, बस इतना सा ध्यान रखना कि बिल्ली कभी मत पाए। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये किस आदमी से मैंने दीक्षा ले ली, किसको गुरु बना लिया? मैं मोक्ष की बात करने आया हूं, मैं निर्वाण की बात कर रहा हूँ, मैं परलोक की बात कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाले दिनों में अच्छाई की बात कर रहा हूँ, और ये है कि बिल्ली पे अटका है। इतनी छोटी सी बात, बिल्ली मत पालना, लेकिन गुरु मान लिया था, इसलिए सिर झुकाकर हाँ कहा और चल पड़ा। वापस आने के बाद अपने गांव में शांति और सुकून से रहने लगा। उसके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर वो जो उसकी लंगोटी थी, जो वो खूंटी पर टांगता था जब कभी भी, उसे बार बार चूहे काट जाते थे। वो बड़ा परेशान था कि इन चूहों से कैसे बचा जाए और लंगोटी को छेद होने से, कटने से कैसे बचाया जाए। उसने अपनी ये समस्या अपने गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने बड़ा ही आसान सुझाव दिया, कहने लगे, इसमें क्या मुश्किल है, ऐसा करो कि एक बिल्ली पाल लो। और वो जो अपने गुरु से आखिरी बात में सुन के आया था कि बिल्ली कभी मत पालना, बिल्कुल भूल ही गया कि गुरु ने कहा था सब कर लेना पर बिल्ली मत पालना, और उसने गांव वालों की बात मान ली और बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली ने आते के साथ चूहों का सर्वनाश तो शुरू कर दिया, पर बिल्ली को भी पीने के लिए दूध चाहिए। अब ये समस्या फिर गांव वालों के पास गई। गांव वालों ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम आपको एक गाय दान कर देते हैं, गाय का दूध बिल्ली को दे दीजिए। अब बिल्ली के पीछे पीछे गाय आ गई। अब गाय के खाने के लिए भी तो चारा चाहिए, गाय को दोनों समय कुछ खाने के लिए चाहिए। फिर गांव वालों ने सलाह दी कि आपके घर के बाहर बहुत सारी जमीन पड़ी है, थोड़ी सी खेती बाड़ी कर लीजिए, समय भी निकल जाएगा। खेती बाड़ी शुरू हो गई, पहले बिल्ली आई, गाय आई, अब खेती बाड़ी शुरू हो गई। दिन भर खेतों में काम करना और उसके बाद शाम को आके खुद का खाना खुद ही बनाना, बड़ी थकान होती थी, गांव वालों से रहा न गया। और फिर एक सलाह आई, क्यों ना आप शादी कर लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि हाँ जरूरी है, मैं थक जाता हूँ, बहुत काम रहता है। उसने शादी कर ली और शादी के बाद चूंकि खर्चे बढ़ गए तो खेती के साथ साथ दूसरा व्यवसाय भी शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चे, बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के कपड़े, बच्चों की व्यवस्थाएं, और वो उसी में लगा रहा, पहले बिल्ली फिर गाय, फिर खेतीबाड़ी, पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, और समय निकल गया। जब वो मरने को था तब उसे याद आया कि गुरु ने कहा था सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना, क्योंकि यदि बिल्ली पाल ली तो बस उसके बाद उपद्रव शुरू होगा। और उसे ये बात उस समय समझ में नहीं आई थी, उसने सोचा था कि ये अज्ञानी गुरु मिल गया है, नासमझ गुरु मिल गया है, ऐसी बात कोई कहता है? तब जब मैं समाधि की बात कर रहा हूँ, जब मैं संन्यास की बात कर रहा हूँ, और जब मैं निर्वाण की बात कर रहा हूँ, जब मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ, उसने हंसी में टाल दिया था। आज मरते समय उसे याद आया कि वो बात सही थी, गुरु ने कहा था बस बिल्ली मत पालना।
हम कोई काम शौक से शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ और कुछ और कुछ और। कुछ करने में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जिंदगी का मकसद न जाने कहाँ जाता है। तो आप अपनी जिंदगी में अगर कोई मकसद बनाए तो आपको जो कुछ भी करना है उस मकसद को पूरा करने के लिए करना है। तो याद रखिए, यदि आपने किसी गुरु से कुछ सीखा है, गुरु नहीं किसी किताब से कुछ सीखा है, किसी किताब से नहीं किसी ट्रेनिंग से किसी वर्कशॉप से कुछ सीखा है, जिंदगी का मकसद जिंदगी का लक्ष्य यदि कुछ बनाया है उसको ध्यान में रखेंगे तो भटकेंगे नहीं, और मृत्यु के पहले याद नहीं आएगा कि मैं कहाँ कहाँ भटक गया। अपने निर्णयों पे बने रहिए, अपने लक्ष्य पे बने रहिए। आपने यदि और कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और कोई कहानी जो आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, वो भी हमें बताइएगा, हम यहाँ आपके साथ उस कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। ऐसी ही किसी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।